शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 पीएम पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज 5 पीएम के 5 का तड़का में हम आपको बाहुबली विधायक अनंत सिंह के 5 मशहूर किस्से बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल 5 पीएम को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोज हम आप तक आसानी से पहुँचा सकें। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह इन दिनों फिर से सुर्खियों में है। पहला, बेउर जेल में उनके वार्ड से मोबाइल फोन मिला, इस वजह से कई पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हुए। सुर्खियों में रहने का दूसरा बड़ा कारण है, एमएलसी चुनाव में उन्होंने पटना में अपने उम्मीदवार कार्तिकेय कुमार को जीत दिला दी। वहीं इन्होंने मुंगेर में भी आरजेडी उम्मीदवार अजय सिंह को जिताकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से बदला ले लिया। वैसे तो अनंत सिंह से जुड़ी कई कहानियां हैं, उन पर किताब लिखी जा सकती है, लेकिन यहाँ हम आपको 5 पीएम के 5 का तड़का में आज अनंत सिंह से जुड़े 5 किस्से बताएंगे, जिसमें बहुत कुछ है। तब निकल पड़े थे साधु बनने। बिहार की राजधानी पटना से 70 किलोमीटर दूर बाढ़ में एक गांव है, उसका नाम है नदमा। इसी गांव में 1 जुलाई 1961 को अनंत सिंह का जन्म हुआ था। तब लोग थोड़े जानते थे कि यही बालक एक दिन क्राइम से लेकर पॉलिटिक्स तक में अपना परचम इस कदर लहराएगा कि कभी नीतीश कुमार तो कभी लालू यादव इन्हें अपने साथ रख लेंगे। लेकिन इन्होंने ये कर दिखाया। अनंत 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं, लेकिन कद काठी में ये सबसे बड़े हैं और अपराध जगत में तो इनका कद सबसे बड़ा है। अपराध जगत में आने की भी बड़ी रोचक कहानी है। दरअसल अनंत सिंह को कम उम्र में ही मन में वैराग्य का भाव आ गया था, फिर क्या, वह साधु बनने के लिए घर से निकल पड़े। पहुंच गए हरिद्वार अयोध्या, वहीं रहने भी लगे। लेकिन एक कहावत है, संत न छोड़े संतई, लंट न छोड़े लंठई। एक दिन अयोध्या में अपने ही दल के एक साधु से उनका झगड़ा हो गया। इसी बीच इन्हें जानकारी मिली कि 4 भाइयों में सबसे बड़े भाई बीरची सिंह की किसी ने हत्या कर दी है। बड़े भाई की हत्या से अनंत सिंह पर बदले की सनक सवार हो गई। कहा जाता है कि हत्यारा जब तक मारा नहीं गया तब तक ये चैन से नहीं बैठे। लोग तो अनंत सिंह पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने ही भाई के हत्यारे से बदला लिया। पसंद है रॉबिन हुड वाला क्रेज। मोकामा विधायक अनंत सिंह अपने खास शौक के लिए भी जाने जाते हैं। उन्हें रॉबिन हुड वाला क्रेज काफी पसंद है। बाहुबली विधायक छोटे सरकार दादा मोकामा के डॉन मगहिया डॉन से तो लोग इन्हें जानते ही हैं। अनंत सिंह को लोग रॉबिन हुड के नाम से भी जानते हैं। दरअसल एक समय था जब उनके सिर पर फिल्मी स्टाइल में हमेशा टोपी रहती थी, गले में सोने की मोटी मोटी चेन रहती थी। हालांकि चेन तो अब भी उनके गले में रहती है। यही नहीं, अनंत सिंह ने वर्षों पहले अपना म्यूजिक वीडियो भी बनवाया था। उसी वीडियो में अनंत सिंह पटना की सड़कों पर बघी की सवारी करते दिखे थे। इसमें भी उनका वही रॉबिन हुड स्टाइल था। उस वीडियो में गाने के बोल थे छोटे सरकार और यह गाना बॉलीवुड के फेमस सिंगर उदित नारायण ने गाया था। उस समय उदित नारायण का बॉलीवुड में जबरदस्त क्रेज था। इसके बाद से ही अनंत सिंह बिहार में छोटे सरकार के नाम से फेमस हो गए। ऐसे ही एक शौक को लेकर ये 2013 में उस समय सुर्खियों में आ गए थे जब बघी लेकर विधानसभा पहुंच गए। मर्सिडीज अनंत सिंह के फेवरेट कार्स में से एक है। विधायक बनने पर इसी से ये विधानसभा जाते थे, लेकिन एक दिन सत्र में भाग लेने के लिए इन्होंने अपनी शानदार मर्सिडीज छोड़ दी। ये बग्घी पर सवार होकर विधानसभा पहुंच गए। पटना की सड़क पर खुद बग्घी चलाकर निकल पड़े थे। लोगों ने जब इन्हें देखा तो वे सब देखते ही रह गए। कई लोगों ने तो पहली बार इन्हें ऐसे देखा था। सबसे खास बात यह रही कि इस बग्घी में लाइट और म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ था। 2005 में बने पहली बार विधायक। अनंत सिंह का पॉलिटिक्स में भी शुरू से गहरा लगाव रहा है। सबसे पहले इन्होंने अपने भाई दिलीप सिंह को चुनाव में उतारा, इसके बाद ये खुद आ गए और इस बार 5वां टर्म विधायक बने। दरअसल अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह का भी क्रेज बाहुबली वाला था। 80 के दशक में श्याम सुंदर धीरज कांग्रेस के विधायक थे। उन्हें दिलीप सिंह काफी मदद करते थे। वोट दिलवाने में भी वे दिलीप सिंह का सहयोग लेते थे। कहा जाता है कि एक बार श्याम सुंदर धीरज से मिलने के लिए दिलीप सिंह दिन में उनके आवास पर चले गए थे। इसकी वजह से उन्हें डांट सुननी पड़ी थी। तब धीरज ने कहा था
कि दिन में मत आया कीजिए, बदनामी होती है। यह बात दिलीप सिंह को चुभ गई। बाद में अनंत सिंह ने अपने भाई दिलीप सिंह को धीरज के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दिया। इसमें दिलीप सिंह जीत भी गए। इसी तरह वे जनता दल के टिकट पर 1990 में विधायक बन गए। दिलीप सिंह दो टर्म विधायक रहे। जिस तरह श्याम सुंदर धीरज अपने साथ दिलीप सिंह को रखते थे, उसी तरह वे अनंत सिंह को अपने साथ रखने लगे। दिलीप सिंह लालू यादव की सरकार में मंत्री भी बने थे। साल 1996, 1998 और 1999 के लोकसभा चुनावों में अनंत सिंह ने नीतीश कुमार का साथ दिया था। इसके बदले में 2005 में नीतीश कुमार ने इन्हें जेडीयू के टिकट पर मोकामा से चुनावी मैदान में उतारा। इन्हें सफलता भी मिली। इसी तरह अब अनंत सिंह एमएलए बन गए थे। इसके बाद वे लगातार जीत ही रहे हैं। 2010, 2015 और 2020 में भी चुनाव जीते। सबसे बड़ी बात कि 2015 और 2020 में तो इन्होंने जेल में रहते हुए ही सफलता हासिल की। 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन में आए थे और उनकी दोस्ती लालू यादव से हो गई थी, तब अनंत सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद ये निर्दलीय ही मैदान में उतर गए और इन्होंने जेडीयू के नीरज कुमार को 18,000 से अधिक वोटों से पराजित किया। 2020 में इन्हें आरजेडी ने टिकट दिया। जेल में रहने की वजह से ये एक भी दिन प्रचार करने नहीं गए, लेकिन जीत इन्हें को मिली और ये वर्तमान में विधायक के पद पर काबिज है। तब लालू का घोड़ा आ गया था पसंद। अनंत सिंह से जुड़े कई किस्सों में से एक किस्सा यह भी है कि इन्हें एक बार लालू यादव का घोड़ा पसंद आ गया था। इन्होंने जुगत भिड़ाकर इसे हासिल भी कर लिया था। इसी तरह एक बार इनका दिल मर्सिडीज गाड़ी पर आ गया तो उसे भी किसी तरह हासिल कर लिया। दरअसल अनंत सिंह को जानवर पालने का शुरू से शौक रहा है। हाथी अजगर पालने के भी ये शौकीन रहे हैं। कहा जाता है कि उन्हें जो घोड़ा पसंद आ जाए उसे खरीदे बिना दम नहीं लेते थे। अनंत सिंह को एक बार आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का एक घोड़ा पसंद आ गया था और उन्हें यह भी पता था कि लालू यादव उन्हें अपना घोड़ा हरगिज नहीं बेचेंगे। तब इन्होंने दूसरे के माध्यम से उस घोड़े को खरीदवाया। तब जाकर उन्होंने उस घोड़े की सवारी की, फिर मेला घूमने गए। आज भले ही अनंत सिंह आरजेडी के विधायक हैं और तेजस्वी यादव से उनकी अच्छी जम रही है, लेकिन एक समय था जब इन्हीं के जोर पर अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। तब लालू यादव अपनी हर चुनावी सभा में अनंत सिंह की गिरफ्तारी का जिक्र करते थे और उसके लिए नीतीश कुमार की प्रशंसा करते थे। अब तो अनंत सिंह की आरजेडी से इतनी अधिक निकटता हो गई है कि इस बार के एमएलसी चुनाव में आरजेडी ने अनंत सिंह के समर्थक कार्तिकेय कुमार को टिकट दे दिया और वे जीत भी गए। इससे अनंत सिंह की काफी प्रशंसा भी हो रही है। 2019 के चुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को टिकट भी मिला था, लेकिन वे जेडीयू के ललन सिंह से चुनाव हार गई। समर्थकों ने बनाया अनंत दा। अनंत सिंह भले ही किसी के लिए बाहुबली हो, किसी के लिए छोटे सरकार हो, किसी के लिए मगहिया डॉन हो, या फिर किसी के लिए मोकामा के किंग हो या फिर मोकामा के डॉन हो, लेकिन आज भी वे अपने समर्थकों और इलाकों के गरीब गुरबों के लिए मसीहा ही है। इनके पास आज भी कोई गरीब मदद के लिए पहुंच जाए तो उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। बीमार लोगों को इलाज में मदद करते हैं, लड़कियों की शादी करवाते हैं। एक समय था जब अनंत सिंह की ये गरीब गुरबों को मदद और सहायता करने वाली प्रवृत्ति इन्हें नीतीश कुमार के नजदीक ले आई थी। भले ही आज ये तेजस्वी यादव के नजदीक हो, लेकिन इनकी मदद करने वाली आदत नहीं छूटी है। यही वजह है कि इलाके के लोग इनके जयकारे लगाते रहते हैं। इनके समर्थक इन्हें छोटे सरकार और अनंत दा कहते हैं। इन्हें बहुत लोग दादा भी कहते हैं। दादा बड़े भाई को भी लोग बुलाते हैं। गांव के लोग उन्हें बड़े भाई का ही दर्जा देते हैं। आज भी जब ये पेशी के लिए कोर्ट जाते हैं तो इनके समर्थक इनके दर्शन के लिए बेचैन रहते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।